पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। इस हमले पर कार्रवाई करने के बजाय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपमानजनक बयान दिया है, जिससे नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनूपपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रवास था और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए जिस ढंग से टीएमसी गुंडों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, गाड़ियां तोड़ी गई और लोग पथराव किया, कई लोग घायल हुए और बहुत से लोग जो मरणासन्न हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा कर रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है, पुतले दहन किए गए हैं और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के साथ जो ममता सरकार में उनके जानलेवा हमला हुआ है उसके विरोध में हम लोग राष्ट्रपति शासन की मांग के लिए ज्ञापन दिए।